वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन रोल की बहुत जबरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आई एम श्योर कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमारी फैमिली में तो ये बहुत फेमस है, सबको बहुत पसंद है और आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो चलें किचन में चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल के लिए फिलिंग रेडी करेंगे और उसके लिए हमने जो चिकन लेना है उसे बॉईल नहीं करना बल्कि थोड़े से पानी में एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और चिकन ऐड करके उसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा डालकर उसे कवर कर देंगे और कुक कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको भून लेंगे हल्का सा। इस तरह से चिकन बहुत फ्लेवरफुल बनता है। चिकन कुक हो गया था तो मैंने उसे श्रेडेड करके साइड पे रख दिया है और अब हमें चाहिए वेजिटेबल्स और उसके लिए ग्रीन अनियंस, कैरेट्स, कैबेज और कैप्सिकम चाहिए। मैंने सब वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है और अब हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल और 5 eggs उसमें डाल के हम स्क्रैम्बल कुक कर लेंगे। जब ये फुल कुक हो जाएंगे तो इसे निकाल के साइड पे रख देंगे और उसी ऑयल में पहले ग्रीन अनियन को थोड़ा सा गोल्डन करना है और फिर उसमें कैरेट्स ऐड करके हल्का सा कुक करेंगे। 2 मिनट्स कुक करने के बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये हाफ टर्न नहीं हो जाता। अब बारी है इसमें कैबेज ऐड करने की और उसको मिक्स करके हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक जाएगा इसमें 1 teaspoon और काली मिर्च भी 1 teaspoon। इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका इसमें 2 tablespoon ऐड करेंगे ईच। अब मैं इसमें 1/2 teaspoon चाइनीज सॉल्ट ऐड कर दूंगी। स्वीट कॉर्न्स बच्चे शौक से खाते हैं तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर इसमें हमने जो स्क्रैम्बल एग कुक किया था वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करके चेक कर लेना है कि सब स्पाइसेस ठीक हैं कि नहीं। उसके बाद लास्ट में हमने जो चिकन कुक किया था श्रेडेड उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इस फिलिंग से समोसे या कोई और स्नैक्स भी फिल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है चाहे जिस भी चीज़ में ऐड करें। फिलिंग रेडी हो गई है, अब बारी है रोल के शीट्स बनाने की। मैंने मैदा लिया है यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 kg और इसमें 3 cups मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसमें 3 eggs ऐड करके मैं इसे हैंड ब्लेंडर से हल्का सा मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 1/2 cup ऑयल ऐड करके 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 tablespoon नमक और 1 tablespoon काली मिर्च ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और जितना भी हमें चाहिए हो हम पानी ऐड करेंगे। मुझे ये काफ़ी थिक लग रहा था तो मैंने 1/2 cup पानी ऐड किया है और इसे दोबारा से ब्लेंड करूंगी। इसका बैटर थिक नहीं होना चाहिए बल्कि बनाना मिल्क शेक से भी पतला बैटर बनाना है ताकि हमने जो शीट्स बनानी है रोल की वो पतली और अच्छी बने। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल से और इसमें ये बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है और दूसरी साइड पे एक और पैन रखा है मैंने ताकि जल्दी से मैं सारी शीट्स बना लूं। मैंने मीडियम फ्राइंग पैन लिया है तो मेरी मीडियम साइज़ की शीट्स बन रही हैं। अगर आपने स्मॉल शीट्स बनानी है तो आप स्मॉल फ्राइंग पैन यूज़ करेंगे। जब आप शुरू में बनाएंगे तो शायद आपसे राउंड शीट्स ना बने, लेकिन हमने फोल्डिंग करनी है रोल की तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसी भी शीट्स बनती हैं आप बनाएँ और जब प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी तो आप ही बिल्कुल परफेक्ट राउंड शीट्स बना लेंगे। मैं वंस इन अ मंथ ये रोल ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर डिनर के लिए भी ये परफेक्ट रहते हैं। आजकल तो वैसे भी सब लोग घर पे होते हैं तो कोई ना कोई स्नैक्स तो चाहिए होता है, तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ सारा काम। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं।
शीट्स रेडी हो गई हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है। आपने शीट की एक साइड पे फिलिंग रखनी है और उसको हाथों से स्प्रेड कर देना है। अब दोनों साइड से फोल्ड करके आपने इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। इसको थोड़ा सा टाइट फोल्ड करना है, लूज नहीं होना चाहिए। और जो बैटर मैंने बनाया था रोल के लिए वही मैं इसके एज पे लगा दूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी ताकि ये स्टिक हो जाए। इसी तरह से ये सारे रोल हम फोल्ड करके रख लेंगे। आप ये रमज़ान के लिए भी बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हों तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसको डीप फ्राई नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल लेना है और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। आप ये रोल बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर बटर पेपर में रैप करके फ्रीज कर लेंगे तो ये 4 मंथ्स तक भी जा सकते हैं। मैंने पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें रोल ऐड किए हैं। हमने इनको कुक नहीं करना, सिर्फ हल्का सा कलर देना है क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी कुक्ड है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको टर्न करते हुए कुक करना है ताकि हर साइड से इक्वल ही कलर आए। तो रोल हो गए हैं रेडी। आप इसको केचप के साथ सर्व करें या जो भी सॉस आप लाइक करते हैं उसके साथ एंजॉय करें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें।